हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो ड्राइंग यूट्यूब चैनल। आज हम डायगोनल स्केल की एक प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे, तो चलिए सीधा चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ RF 1/32 शोइंग यार्ड्स, फीट्स एंड इंचेस एंड टू मेज़र अप टू 4 यार्ड्स। मेज़र अप टू 4 यार्ड्स, दैट्स मीन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल is 4 yards। ओके, अब क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्केल ढूंढना है। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए हम लोगों का छोटी सी एक कैलकुलेशन की ज़रूरत है, वो है ML into RF, दैट्स मीन मैक्सिमम लेंथ into RF। मैक्सिमम लेंथ हमारा क्या है, 4 yards into RF क्या है, 1/32। इस 4 यार्ड्स, हम तो 4 नहीं रख सकते क्योंकि हम जो स्केल में इसके डायगोनल स्केल बनाने जा रहे हैं वो स्केल है सेंटीमीटर स्केल। तो ये 4 यार्ड्स को सबसे पहले हम लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, 4 यार्ड्स इज इक्वल टू 3 फीट। सो 4 × 3 फीट। अब 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, सो 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। सो 4 × 3 × 12 × 2.54 सेंटीमीटर। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा लेंथ ऑफ स्केल। सो ये आएगा 11.43 सेंटीमीटर। दैट्स मीन हम लोग ड्राइंग में जो स्केल बनाने जा रहे हैं उसका लेंथ होगा 11.43 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे 11.43 सेंटीमीटर का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले से माप लेके रखा हूँ और अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये लाइन जो मैंने बनाया ये 11.43 का कुछ आसपास है। अब क्या करना है, इस लाइन को 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है किसी भी एंगल पे और इस लाइन के ऊपर 4 इक्वल्स पार्ट करना है। ये लाइन ले लिया मैंने, अब इसके ऊपर 4 इक्वल्स मार्क करेंगे। ये मैंने यहाँ पे 4 मार्क कर लिए। ये 4 मैंने जो मार्क किया है ये आप किसी भी माप लेके कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है। कर दिया। अब इसके पैरेलल लाइंस इस पॉइंट से यहाँ पे, इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने सारे लाइंस बना लिए हैं और अब आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ये जो लाइन था ये 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर नंबरिंग करूँगा। ये हमारा 0, ये 1, ये 2 और ये 3। 4 यार्ड्स का हमारा स्केल था और उसको हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। तो अब ये एक पार्ट कितना, 1 यार्ड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार्ड्स। और ये जो पार्ट है इसको हम अगर डिवाइड करेंगे इक्वली 3 पार्ट में तो हर एक आ जाएगा हमारा फीट्स में। तो हम यहाँ पे पहले ही फीट लिख देता हूँ। अब क्या करना है, इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर या फिर 6-7 अपने अंदाज से ले सकते हैं हाइट उठकर एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा, ये यहाँ पे मैंने बना लिया है बॉक्स। अब क्या करूँगा, ये सारे जो पॉइंट है 0, 1, 2, इन सारे पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूँगा इस लाइन तक। ये जो 1 यार्ड है इसको अगर हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट कितना आएगा, 1 फीट आएगा। तो अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो पोर्शन है इसको हम 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए भी सेम प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पे किया था 4 इक्वली डिवाइड, यहाँ पे भी वही करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करके 3 मार्क उसके ऊपर ले लिया है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट और ये पॉइंट मैच करेंगे और इसके परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये इस पॉइंट को भी यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ 0,
ये वन, ये टू। अब ये पॉइंट यहाँ पे भी लाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो मार्क करके ये पॉइंट यहाँ पे लेके आया सेट स्क्वायर के ज़रिए। अब क्या करना है, यहाँ का जो ज़ीरो पॉइंट है इस पॉइंट से वन पॉइंट तक कनेक्ट करना है, इसका वन से टू और टू से थ्री तक कनेक्ट करना है ऐसे। ये जो स्केल है हमारा, ये अभी तक सिर्फ यार्ड और फुट को ही माप सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़े कि इंचेस की भी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे। मैंने पहले बताया कि वन फीट इज़ इक्वल टू 12 इंचेस, तो अगर हम ये जो एक स्मॉल डिवीज़न है इसको अगर 12 स्मॉल डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं तो इंचेस भी आ जाएगा। तो ये जो डिवीज़न है यहाँ पे 12 डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड 12 डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस रेखा को मैंने यहाँ पे 12 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड कर लिया है। अब क्या करना है, ये हर एक पॉइंट से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करना है मेरे को, हर एक पॉइंट से मैं कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, यहाँ से यहाँ तक 11 इंच, यहाँ से 10, यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 8, ऐसे बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे 1। तो ये हमारा इंचेस डिवीज़न भी हो गया। तो ये जो हमारा स्केल अभी कंस्ट्रक्ट हो गया है, ये बेसिकली यार्ड, फीट एंड इंचेस इन सब को नाप सकती है। और क्वेश्चन में भी यहाँ पे हम लोगों को वही बताया कि यार्ड, फीट और इंचेस ये तीनों दिखना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। यार्ड, फीट और यहाँ पे इंचेस भी हो गया है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल स्केल पूरा का पूरा कंप्लीट। सो अगर इस स्केल के जरिए आपको सपोज 3 यार्ड, 2 फीट और 7 इंचेस का माप लेना है, तो यहाँ पे 1 यार्ड, 2 यार्ड, 3 यार्ड तो है, और 2 फीट मतलब 1, 2, 2 फीट और 7 इंचेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक, मतलब आपका ये जो लाइन है ये है 2 फीट 3 यार्ड, 3 यार्ड 2 फीट 7 इंचेस का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नया ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप ड्राइंग।